उत्तराखंड विधानसभा में एक बिल को पेश किया गया था। वो साल था 2019 का और बिल का नाम था उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड। इसके तहत एक बोर्ड का गठन भी किया गया था जिसका नाम था चारधाम देवस्थानम बोर्ड। इसे बनाया तो गया लेकिन दो साल होते होते इसे भंग भी करना पड़ा है। मतलब 2019 में बनाया गया बोर्ड साल 2021 में भंग कर दिया गया। खैर, इस बोर्ड को भंग करने के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा था, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आखिर इस बोर्ड का काम क्या था, क्यों इसे बनाया गया। वैसे तो बिल साल 2019 में पेश किया गया था लेकिन इसकी शुरुआत 2017 से ही हो गई थी जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी। उत्तराखंड के 53 मंदिर के बेहतर संचालन के लिए एक बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया गया जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर भी शामिल थी। इस बोर्ड का मुख्य कारण था मंदिरों का बेहतर तरीके से संचालन। बिल पेश किया गया, फिर पास हुआ, फिर बोर्ड का गठन भी हुआ। इस बोर्ड में मुख्यमंत्री ही बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के विधायक बोर्ड के सदस्य होते हैं। सदस्यों में से ही एक चीफ सेक्रेटरी, एक आईएएस अफसर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। खैर, बोर्ड का गठन हुआ तो दूसरी ओर विरोध भी होने लगे। अब सवाल कि आखिर कौन विरोध कर रहा था, और जब बात बेहतर संचालन की थी तो विरोध ही क्यों हो रहा था। दरअसल बोर्ड के बनने के बाद चारों धाम और उत्तराखंड के मुख्य मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। आर्थिक नियंत्रण भी एक तरह से बोर्ड के पास रहा। जो पैसे आते उनका इस्तेमाल बोर्ड की ओर से ही अलग अलग कामों में लगाया जाने लगा तो साधु संतों को इससे नाराजगी होने लगी। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि सरकार की ओर से पहले ये दावा किया गया था कि बोर्ड की मदद से चार धाम करने वाले सैलानियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी और पुरोहितों के हक बरकरार रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए साधु संतों की नाराजगी बढ़ गई और फिर जोर शोर से ये मांग होने लगी कि बोर्ड को भंग किया जाए। हालांकि इस पर उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले कोई फैसला नहीं लिया गया। अब क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बीच साधु संतों की नाराजगी अगर रही तो नुकसान भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा रिस्क ऐसे वक्त पर लेना किसी भी पार्टी से कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। संभव है इसलिए बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। जब बोर्ड भंग हुआ तो साधु संत इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं।